गया वासियों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही है। गंगा का जल गया पहुंच गया है। जिले के मोहड़ा प्रखंड के तेतर में सीएम नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्गह योजना का उद्घाटन किया। गंगा का जल गया शहर के सभी घरों में पहुंचाने की योजना है। इसके लिए गया के मानपुर अबिलगा खदान में गंगा का जल लाकर स्टोरेज किया जाएगा। मोकामा के मराची से गंगा नदी का पानी लिफ्ट कर मानपुर स्थित 400 फीट गहरी खदान में स्टोर किया जाएगा। वहीं 4.5 फीट चौड़ी पाइपलाइन मोकामा से गया तक करीब 140 किलोमीटर में बिछाई गई है। लोगों ने तय किया था कि गंगा जल पहुंचाएंगे गया में, बोध गया में, राजगीर में, नवादा में। ये सब काम जो चल रहा था और आज हुआ कि आज यहाँ तक पानी जरूर पहुंच जाएगा। और आप जानते हैं गया और बोध गया के लिए सालों भर के लिए पानी यहीं पर स्टोर रहेगा और यहीं से पानी जाएगा आगे, और गया और बोध गया सब के लिए वहाँ पर होगा। तो वही आज हम देखने आए थे, हम तो चाह रहे हैं कि बड़ा तेज़ी से सब काम हो जाए ताकि गंगा जल की आपूर्ति इन जगहों पर हो जाए। ये बहुत खुशी की बात है। अब आप समझ लीजिए गंगा जी भी हैं और गया जी भी हैं, तो गया जी के लिए गंगा जी आ गई है। ये कोई मामूली बात है, सोच लीजिए अब कितनी बड़ी बात है कि गंगा नदी का जल यहाँ पहुँच रहा है गंगा जी के। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आपकी गंगा बह रही है और सार्थक गंगा बह रही है। जानते ही है उसको लाया जा रहा है ना गंगा नदी से, और हम लोग तो 4 महीना लाएंगे और 4 महीना में तो जो जाएगा जाएगा, लेकिन बाकी समूचे 8 महीना के लिए स्टोर यही हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी लाया जा रहा है तो वहाँ से चल करके गंगा नदी के पानी को सबसे शुरू में, फिर यहाँ रखने के लिए, फिर नवादा की तरफ जाने के लिए सब किया जा रहा है। तो ये सब उपाय है और इन जगहों के लिए किया जा रहा है, सबको तो मालूम ही है, सब लोगों को मिल जाए। आप जानते ही हैं किस तरह से गया में क्या दिक्कत होती थी। योजना के ट्रायल में गंगा जल नवादा तक पहुंचाया गया था। इससे गया को 43 मिलियन क्यूसिक मीटर और राजगीर को 7 MCM पानी मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि दिसंबर 2019 में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।